आज इस प्यासी नेचुरल केयर में आपका स्वागत है। मैं हूँ पिया। आप सोच रहे होंगे आज इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है कि आप सब लोग चाहते हैं कि वो किसी को प्रॉब्लम ना हो, यही सोच रहे हो आप। टॉपिक तो आपको पता ही चल गया क्योंकि आपने पूरा मेरा टाइटल पढ़ लिया है। इसीलिए गाइज आज की वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है। आज हम बात करेंगे कि मेलानिन को कैसे कम करें। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, सबसे पहले कि मेलानिन कैसे होता है, किस में ज़्यादा होता है, किस में कम होता है, इसको कैसे कम कर सकते हैं बाहरी तरीके से और अंदरी तरीके से, नंबर 3 कि अगर इसके क्या क्या प्रिकॉशंस हैं कि जिनके बढ़ रहा है वो ना बढ़े, तो यही सब बातें हम इस वीडियोस में शूट करेंगे। सो गाइज वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप स्टार्टिंग टू एंड बने रहिए और आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज हम बात करेंगे कि मेलानिन सबसे पहले होता क्या है। सो गाइज जो लोग बहुत गोरे होते हैं उनके अंदर मेलानिन बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, मतलब कि कम क्वांटिटी में होता है, और जो काले होते हैं उनके अंदर मेलानिन बहुत ज़्यादा होता है। ये तो हुए कि काले और गोरे लोग मेलानिन कम और ज़्यादा से होते हैं। जिसमें कम मेलानिन होगा वो गोरा होगा, उसकी स्किन वाइटेस होगी, और जो काला होगा उसके अंदर स्किन डार्क होगी और काली होगी, राइट। ये तो हो गए मेलानिन। अब मेलानिन कैसे होता है, उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं और उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं। अब बात करेंगे कि मेलानिन से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, या मेलानिन जिनके बढ़ने लगता है तो उनका पूरा शरीर काला नहीं होता है, उनकी बॉडी पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे कि ब्लेमिशिंग्स हो जाती हैं, झाइयाँ हो जाती हैं, मतलब वही पैचेस हो जाते हैं, और जिनके कम बहुत होने लगता है तो डार्क स्किन पे आपने देखा होगा वाइट वाइट पैचेस हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम्स होती हैं। जो डार्क स्किन में कम होने लगता है तो वाइट पैचेस हो जाते हैं, और अगर वाइट स्किन में ब्लेमिशिंग्स होने लगे और मुहासे दाग दिल धब्बों के जो दाग हैं वो ना जाएं, वो एज इट इज़ बरकरार रहें, इसका मतलब मेलानिन बढ़ रहा है। अब ये होता क्यों है कि जब आप बाहर निकलते हैं और कोई प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, या आई मीन टू से कि कवर अप नहीं कर रहे हैं, आप कुछ फेस पे यूज़ नहीं कर रहे हैं, हैंड्स पे यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो जो सन की जो यूवी रेजेस हैं वो आपकी स्किन पे पड़ रही हैं, और जहाँ मेलानिन हल्का सा भी कोई भी आपकी स्किन डेड होने लग जाती है तो वहीं पे, या आपकी सेल बिल्कुल डाउन हो जाती है तो वहीं पे वो यूवी किरण पड़ती है तो वहीं से वो पैचेस बनाना स्टार्ट कर देता है, मतलब कि आपकी सेल्स को मारना स्टार्ट कर देता है, तो वहीं से मेलानिन बढ़ने लग जाता है। इसीलिए आपके झाइयाँ पहले कम होती हैं, फिर ज़्यादा होती हैं, फिर बढ़ती चली जाती हैं, फिर पूरे फेस पे आ जाती हैं, यहाँ पे आ जाती हैं, यहाँ पे आ जाती हैं, यहाँ पे आ जाती हैं, कि जो अब इसका एक ही यूवी किरण ही कारण नहीं है, इसका कारण आपका फूड भी है, एक्सरसाइज भी है, हवा पानी एवरीथिंग है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉज आपका सन है, कि मेलानिन स्टार्ट वहीं से होता है, और डस्ट भी है कि आप बाहर निकलते हैं और कवर अप करके नहीं निकल रहे तो आपके फेसेस पे, हाथ पे, मतलब कहीं पे भी पूरा डस्ट, पर अगर आके भी आप बिना कुछ नहाए वगैरह ही ऐसे ही लेट गए फिर, तो भाई स्किन के जो पोर्स हैं वो रुक जाते हैं, तो वहाँ से भी आपकी स्किन डेड होना, सेल्स मरना स्टार्ट हो जाती हैं, कोई ना कोई कॉज होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये भी एक कॉज हो सकता है। अब इस कॉज को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जिनके झाइयाँ दाग धब्बे हैं या जिनकी मेलानिन बढ़ रही है उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, कि आपको सबसे पहले जब भी आप बाहर निकलें तो अपने फेस और हैंड्स को कवर अप करके निकलना चाहिए, जिनकी स्किन में ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब कि उनकी स्किन सेंसिटिव है, और सेंसिटिव स्किन को हमको थोड़ा प्रिकॉशंस लेके चलना पड़ेगा, तो सबसे पहले कवर अप करना चाहिए। सेकंड थिंग हमको क्या करना चाहिए कि आपको जब ऐसी प्रॉब्लम है तो SPF 50 सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए। आप वो कोई भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, मैं लिंक में डाल दूंगी, लेकिन वो सल्फेट और पैराबीन फ्री होनी चाहिए, ये आप लेने से पहले देख लीजिएगा और वो यूज़ कीजिए, क्योंकि आपकी स्किन को ना तो ड्राई करे या फिर आपके फेस को बहुत ज़्यादा डाउन करे, ग्लो ग्लो चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो वो देख के लिए, लेकिन अगर मेलानिन है
आपके झाइयां हैं, दाग धब्बे हैं, तो SPF 50 से नीचे आप सनस्क्रीन मत लीजिएगा। ये दूसरा कारण है। नंबर 3, आप प्रॉपर मात्रा में पानी का इंटेक लीजिए, मतलब कि पानी पीजिए अच्छे से, क्योंकि अगर प्रॉपर मात्रा में आप पानी का इंटेक नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी का जो रक्त संचार है वो अच्छे से नहीं होगा और आपका मेलानिन बढ़ता ही चले जाएगा। अगर आपका रक्त संचार सही होगा तो नकील, मुहासे, दाग धब्बे, झाइयां सब धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। देखो, ये बीमारियाँ जितनी जल्दी आती हैं उतनी जल्दी जाती नहीं है। दावा बहुत लोग करते हैं कि ये रेमेडी कर लो, वो रेमेडी कर लो, आपके दाग धब्बे चले जाएंगे, ये चले जाएंगे, लेकिन ये ऊपर से लगाने से नहीं जाते हैं, क्योंकि ये सब पेट की उपज है या फिर वैसी अंदर से डेड स्किन्स, डेड सेल्स की है, तो कोई क्रीम पाउडर लगाने से नहीं जाता। उससे क्या करता है, थोड़े टाइम के लिए ग्लो रहता है और ऊपर की सेल्स को हल्का सा वो सही करता है, लेकिन जैसे ही आप उसको ख़त्म करते हो या बंद करते हो वो चीज़ दोबारा से जनरेट होना स्टार्ट कर देती है। इसीलिए पियासी नेचुरल केयर पे मैं आपको बताऊंगी कि स्टार्टिंग से आपको हर चीज़ का प्रिकॉशंस कैसे लेना है इन चीज़ों के लिए। तो आपको सेकंड नंबर तो पानी प्रॉपर मात्रा में पीना है। तीसरी चीज़, जब भी आप खाना खा रहे हैं तो एक कटोरी सैलेड आप मॉर्निंग में और एक कटोरी सैलेड आप इवनिंग में, रात को नहीं, इवनिंग में, मतलब कि 4 या 5 के जब हमारे स्नैक्स टाइम होता है, टी ब्रेक टाइम होता है। और हमेशा ये ध्यान रखिए, आपके लीवर को और पाचन शक्ति को या तो कॉफ़ी जो आपके ब्लड को सही करती है और इनको सबको क्लीन करती है, या फिर ग्रीन टी लेना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आपके इंटरनल सिस्टम थोड़ा मजबूत होगा। तो 1 या 2 ग्रीन टी ले लो और एक दिन में एक बार कॉफ़ी ले लो, मॉर्निंग में उठते के साथ ले लो, वो बहुत बेनिफिशियल रहती है। और या चाय की जगह कॉफ़ी को आप चेंज कर दीजिए, इवनिंग में भी ले लीजिए, तो वो बहुत अच्छी रहती है आपके अंदर की मशीनरी को सेट करने के लिए, मतलब कि ये नॉर्मल लैंग्वेज में बता रही हूँ। तो ये आप अपने, तो आपको बहुत ही इजी चीज़ें करनी, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप कहीं पर भी जाओ, दुपट्टा बांध जाओ, सनस्क्रीन लगा जाओ, वो आप ले लीजिए। नंबर 3, आप पानी ज़्यादा पिए, जब भी कुछ अगर तुरंत पानी कुछ भी ड्रिंक से रिलेटेड, मिल्क लो, जूसेस लो, पानी लो, राइट। 4th, आप सैलेड फ्रूट्स ये कर लो। और 5वां, जो मैं बता रही हूँ किसी के लिए कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप ये करके देखोगे तो आपके दाग धब्बे झाइयां सब खत्म हो जाएंगे। आप देख सकते हो मेरा फेस, मेरे बेबी के होने के बाद में मेरे फेस पे झाइयां आ गई थी, लेकिन मैं यही कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरा फेस एकदम सेट होता जा रहा है, आप खुद देख सकते हो। और मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगा रखा है, हल्का सा सनस्क्रीन और शेड लगा रखा है और काजल, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे कोई फाउंडेशन नहीं लगा रखा जैसे कि हिडन हो। तो आपको ये करना है। तीसरी चीज़ आपको, मतलब आपको ये लास्ट नॉट द लीस्ट, ये वाला काम करना है। सोने से पहले दिन में आप कुछ चीज़ें ले सकते हो, नाइट में ये सारी चीज़ करने के बाद में आप एक मल्टीविटामिन ले लीजिए, जिंकोविट ले लीजिए, ये ले लीजिए जिंकोविट, जो दिन में ले लीजिए आप मल्टीविटामिन एक आफ्टर लंच या आफ्टर ब्रेकफास्ट, राइट। और सोने से पहले आप फिश ऑयल खा लीजिए एक, आपकी स्किन इतना ग्लो करेगी, इतनी साइन, इतनी अच्छी कि हाँ, 1 महीने बाद आप जब ये डेली रूटीन करेंगे तो लोग भी बोलेंगे आप ऐसा क्या कर रहे हो कि आपकी स्किन, आपकी मेलानिन, आपकी झाइयां, आपके दाग धब्बे एकदम रिमूव। क्योंकि ये मल्टीविटामिन क्या करेगी कि आपके अंदर कोई भी चीज़ की विटामिन सी ए सब की कमी है तो आप फ्रूट्स और वो खा रहे हो, वो तो आपकी डेली लाइफ में ठीक है, लेकिन ये क्या है, जो पहले की 5 साल की 6 साल की जो कमी है वो पूरी नहीं हुई है, तो वो उनको पूरा करेगी, जिससे कि आपकी स्किन में वो 5-6 साल बाद जो प्रॉब्लम जनरेट हुई है उसको रिजॉल्व करेगी। तो ये मल्टीविटामिन खाओगे तो जिस भी विटामिन, विटामिन सी की कमी है, विटामिन ए की कमी है, ई की कमी है, डी की कमी है, वो सब भरपूर करेगी। और फिश ऑयल के जो कैप्सूल हैं वो आप खाते हो तो पहले तो वो कैसे खाने हैं, नाइट में सोने से पहले खाने हैं, कितने mg में खाने हैं, मिनिमम आप 500 mg में ले सकते हो और जिनको ज़्यादा, जिनकी बॉडी सूट कर जाए तो 1000 mg में ले सकते हो। सोने से पहले आप ऐप पर, उसके आगे और पीछे दूध मत पीजिएगा, ये भी आप टिप एंड ट्रिक याद कर करके, जो मैं बता रही हूँ वही चीज़ आपको फॉलो करनी है। सो गाइज, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी मेलानिन धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, आएगी भी नहीं, बट मल्टीविटामिन और जो ये डाइट है ये नेचुरली है, ये आप डेली करेंगे तो आपके दाग धब्बे झाइयाँ
ब्लेमिशिंग सब अच्छे से क्लीन हो जाएंगे और आपकी स्किन एकदम ग्लो करेगी और आप बहुत अच्छे लगने लगेंगे और आप बहुत यंग भी दिखेंगे, क्योंकि आप फिश ऑयल लेंगे और फिश ऑयल का तो आपको पता ही ना, स्किन हेयर सबके लिए, जिनके बाल टूटते हैं उनके लिए फायदेमंद है। मतलब कि आपको एक वीडियो देखने से इतनी सारी चीज़ों का फायदा होता है पियासी नेचुरल केयर में। सो गाइज, ऐसे ही आप चाहते हैं कि हमें एक वीडियो से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिले और हम बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करें यहाँ से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आप हमें ये भी बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं और आपको हमारे वीडियोस में कुछ प्रॉब्लम लगती है, कमी कर लगती है, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और नीचे कमेंट करके बता भी सकते हैं, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा कि कितने लोगों को क्या क्या चीज़ें पसंद आ रही हैं, क्या नहीं आ रही हैं, तो मुझे किस पे वर्कआउट करना है, राइट। वैसे मैं आपको जो भी चीज़ें बताती हूँ इजी शॉर्टकट, कम टाइम में, फालतू की बातें ना करते हुए जो चीज़ें हों वही करने के लिए बताती हूँ, जिससे कि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको एक, अगर आप 10 मिनट का या 5 मिनट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं या फिर अपना खर्च कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाए। सो गाइज, थैंक यू सो मच अभी के लिए, बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, बाय।